अध्याय 193 आदिन अध्याय 193 आदिन एजियोर ड्रैगन का अनुरोध। यूचे की जबरदस्ती के तहत चू युचन के कमजोर संघर्ष। अध्याय 193 आदिन एजियोर ड्रैगन का अनुरोध। यूचे की जबरदस्ती के तहत चू युचन के कमजोर संघर्ष निरर्थकता में एक अभ्यास के बराबर थे। पलक झपकते ही उसका निर्दोष बर्फीला सफेद शरीर, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेड या बर्फ से तराशा गया हो, यूचे के सामने पूरी तरह से खुला हो गया था। और जब उसका आखिरी बाधा यूचे के आरोप से टूट गया तो उसकी मानसिक रक्षात्मक परिधि तुरंत पूरी तरह से ढह गई। यह बाहरी दुनिया से अलग दुनिया थी, यह अतुलनीय रूप से चुप था। और इस प्रकार एक पुरुष और एक महिला के एक साथ जुड़ने की आवाजें असाधारण रूप से स्पष्ट थीं, जो उनके कानों और आत्माओं से टकराती थीं। इस जगह में कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा, हवा भी नहीं चल रही थी। विरोध करने के उसके उत्तेजित प्रयास धीरे धीरे पुताई की तेजी से आकर्षक आवाजों में बदल गए। उसके मिनट संघर्ष आंदोलनों धीरे धीरे अनजाने में एक स्वागत योग्य स्वीकृति में बदल गया। कई तूफानी भावनात्मक दौर के बाद उस स्थान पर जहां उनके शरीर एक दूसरे के खिलाफ कसकर दबाए गए थे, उनकी कुंबारी यांग और उसकी कुंबारी यिन ने आखिरकार अपना संपूर्ण संघ पूरा किया। यूचे वहीं लेटा हुआ था, उसका मुंह खुला रह गया था क्योंकि वह मोटे तौर पर हांफ रहा था। उसके हाथ चू युचन की नरम चिकनी सफेद पीठ पकड़े हुए थे। चू युचन चुपचाप अपनी छाती के खिलाफ लेट गया, उसकी खूबसूरत आंखें बंद हो गईं, ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो गई है। शांत दुखद आंसू जो चुपचाप बाहर निकल गए थे, आंसू के दाग छोड़ गए थे जो अभी तक सूखने के लिए थे। जैविक रूप से बोलते हुए यूचे वास्तव में एक कुंवारी थी, मानसिक रूप से हालांकि वह निश्चित रूप से नहीं था। एजियोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में वह और सुलिंगर कई वर्षों से एक साथ थे, और हालांकि जितनी बार उन्होंने उल्टे फीनिक्स की स्थिति में युग्मित किया था, वह हजारों में नहीं पहुंच सकता था, यह निश्चित रूप से सैकड़ों में पहुंच गया था। जब उसने वापस सोचा, हालांकि वापस तो उसका दिल पूरी तरह से घृणा से भर गया था, और इसलिए वह अनिवार्य रूप से सुलिंगर के शरीर पर अपनी पाश्विक वासना को हवा दे रहा था। आज का तूफान एक हल्की हवा और रिमझिम बारिश में से एक था। यह वास्तव में उसका पहली बार था, और इससे उसे सुलिंगर के प्रति और भी पछतावा महसूस हुआ। केवल हालांकि यह बूंदाबांदी बारिश के साथ एक कोमल हवा थी, फिर भी इसने चू युचन को काफी पीड़ा दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर में बुद्ध का महान मार्ग था, और उन्होंने ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा को भी जोड़ दिया था, जिससे उनके शरीर की ताकत एक साधारण व्यक्ति से कहीं बेहतर हो गई थी। उन्होंने चू युचन के आकर्षक नाजुक कुंवारी शरीर को उलझाने में पूरे दो घंटे से अधिक समय बिताया था, अंत में जिसे प्राइमर्डियल एजियोर ड्रैगन ने वर्जिन ड्रैगन सीड कहा था। उसे जारी करने से पहले चू युचन एक बवंडर में एक निविदा कमल की तरह तबाह हो गया था। उसका ऊपरी शरीर, उसका निचला शरीर, उसके शरीर का हर हिस्सा तूफान के निशान से ढका हुआ था। हवा और बारिश के बाद दोनों एक दूसरे से कसकर जुड़े रहे। यूचे ने चुपके से शांत मूक चू युचन को देखा। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। वह नहीं जानता था कि उसे वर्तमान में उससे क्या कहना चाहिए, लेकिन अब उसके दिमाग में चमेली की चीखें गूंज रही थीं। तुम कम जीवन बिगाड़ना, आपने वास्तव में मुझे इस तरह का दृश्य देखने के लिए प्रेरित किया, और इतनी देर तक उन अकल्पनीय आवाजों को सुनते हैं। अगर मुझे अभी के लिए आप पर भरोसा नहीं करना पड़ा, भले ही आप मेरे शिष्य हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको मार दूंगा। चमेली की आवाज गुस्से से भरी हुई थी, और वो हल्की सी थरथराहट भी कर रही थी। यूचे ने अपनी आंखें घुमाई, उसका चेहरा भी लाल नहीं हुआ। उसने धीरे से जवाब दिया, आपको बस इतना करना था कि अपनी 6 इंद्रियों को बंद कर दें और इसे ऐसा बनाएं कि आप कुछ भी सुन या देख न सकें। कम जीवन विकृत करो, चमेली फिर से धक्के मारने लगी। हाँ, यह एक प्रकार का सामान्य मानव व्यवहार है। पहली बार शायद आप वास्तव में इसके आदी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसे कुछ और बार देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसके आदी हो जाएंगे। विकृत बिगाड़ना
आप बिल्कुल वही हैं जो मेरी माँ और बड़े भाई ने मुझे बताया था, एक विकृत व्यक्ति जिसके मैं बिल्कुल 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 करीब नहीं जा सकता। अपनी चीख खत्म करने के बाद जैस्मीन ने और कुछ नहीं कहा और यूचे पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इस समय जहां से वे जुड़े हुए थे, उसने अचानक महसूस किया कि एक बर्फीली आभा हिंसक रूप से उसके शरीर में बढ़ रही है, जिससे उसका पूरा शरीर सामान बढ़ रहा है। उसकी चेतना तुरंत तितर बितर हो गई और वह बेहोश हो गया। जैसे ही वह बेहोश हो गया, वह शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा अंदर से बाहर की ओर चली गई, जल्दी से उसके पूरे शरीर को ढक गई और बर्फीली धुंधली ऊर्जा के टेंड्रिल को उसके रूप से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। यूचे कोमा में पड़ा था तो पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका है। वह उस अंधेरी दुनिया के भीतर बना रहा, लेकिन चू युचन का रूप अब उसके पक्ष में नहीं था। केवल एक चीज शेष थी, जमीन पर एक लाल फूल और कई निशान जो गवाही देते थे कि जो हुआ वह कोई सपना नहीं था। युवा मानव, आप जाग गए हैं। अंधेरे के भीतर दो नीली रोशनी दिखाई दी। ऊपर हवा में दो विशाल नीली आंखें खुल गई थीं। मैंने क्यों किया? बेहोशी यूचे ने उसके सिर के खिलाफ दबाया। उसका शरीर बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। उसकी पहले अचानक बेहोशी ने उसे बहुत उलझन महसूस कराई थी। आप दोनों के यिन और यांग के साथ जुड़ने के बाद उसने आपके सच्चे ड्रैगन के कुंवारी 20 को प्राप्त किया। उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे और जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उसके नवजात शिशु गहन नसों ने उसे एक बड़ी सफलता बनाने की अनुमति दी और उसने सीधे सम्राट गहन दायरे में प्रवेश किया। आपके लिए, जब आप उसे कुंवारी यिन प्राप्त करते हैं तो आपके शरीर ने एक शक्तिशाली बर्फ विशेषता गहन ऊर्जा प्राप्त की। दुर्भाग्य से आपकी गहन ऊर्जा मूल रूप से अग्नि विशेषता की थी। आग और बर्फ बस एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए होते। और इसलिए न केवल बर्फ विशेषता ऊर्जा आपके लिए कोई लाभ नहीं थी, यह वास्तव में आपके फीनिक्स की लपटों से टकरा गई। आपके अचानक बाहर निकलने का कारण यह था कि ये दो प्रकार की विपरीत ऊर्जा अचानक एक दूसरे से टकराने लगी। आपकी बर्फ विशेषता ऊर्जा अब फीनिक्स की लपटों से पूरी तरह से दब गई है। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप पहले से ही बर्फ विशेषता गहन ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं जो महिला ने उस पर की थी। आदिम अजगर ड्रैगन के शब्दों ने यूचे को स्तब्ध कर दिया। उसने कुछ हद तक खुद को शांत किया, फिर अचानक पता चला कि उसकी चेतना के भीतर एक शक्तिशाली बर्फ विशेषता गहन कला थी, जमे हुए बादल कला। इसके अलावा यह फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स था जो पहले से ही छठे दायरे में पहुंच गया था, आकाशीय बर्फ को सक्रिय करने में सक्षम होने के लिए। इस खोज ने यूचे को बहुत झकझोर दिया। बेशक उन्होंने कहावत के बारे में सुना था, दोहरी यिन यांग प्रशिक्षण, लेकिन दोहरी यिन यांग प्रशिक्षण का असली सार यिन और यांग के बीच सामंजस्य स्थापित करने में निहित है, जिससे उन्हें एक दूसरे की कमियों को पूरा करने में मदद मिलती है। शायद किसी की ऊर्जा की विशेषता दोहरी यिन यांग प्रशिक्षण के माध्यम से बदल सकती है, लेकिन उनके साथ युग्मन के बाद दूसरे व्यक्ति की पूर्ण गहन कला हासिल करने के लिए यह पूरी तरह से अनसुना था। एक पल इंतजार करें, यूचे ने अचानक कुछ सोचा। क्या यह हो सकता है कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड ने महल के शिष्यों को अपनी शुद्धता खोने से पूरी तरह से मना कर दिया था? वास्तव में ठीक था, क्योंकि फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स पूरी तरह से कुंवारी यिन के माध्यम से एक आदमी को प्रेषित किया जा सकता है। जैसा कि यूचे ने इस पर विचार किया, जितना अधिक उन्होंने इस बारे में सोचा उतनी ही अधिक संभावना थी। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्यों द्वारा 10 या 10 वर्षों की साधना के परिणाम, यदि कोई व्यक्ति उनकी पवित्रता को छीन सकता है तो बिना किसी प्रयास के वह यह सब प्राप्त कर सकता है। यह कितना अनुचित था। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप उनके संप्रदाय की गहन कलाओं को बाहरी लोगों तक पहुँचाया जाएगा। यदि यह शब्द फैल गया तो बिना किसी सवाल के अनगिनत लालची आंखें होंगी जो फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के हर एक शिष्य को घूरती होंगी। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड कितना शक्तिशाली था, इसके
बावजूद उन्हें जबरदस्त खतरे में डाल दिया जाएगा। तो यही कारण था कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की महिलाओं को किसी भी पुरुष के साथ संबंध विकसित करने से मना किया गया था, और जब तक वे मर नहीं जाते तब तक उन्हें अपनी शुद्धता खोने की अनुमति नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि प्यार फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के उनके प्रशिक्षण को प्रभावित करेगा, इसकी वजह से था। प्राइमर्डियल एज्योर ड्रैगन ने जारी रखा, आमतौर पर आपको जितना संभव हो सके बर्फ विशेषता ऊर्जा को लॉक करने के लिए फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा अगर यह आगे फट जाता है तो यह संभवतः आपके शरीर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। जब तक निश्चित रूप से आप जल विशेषता ईविल सीड को खोजने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसे दुष्ट देवता ने पीछे छोड़ दिया था। केवल दुष्ट परमेश्वर का जल बीज ही बर्फ और आग को एक ही व्यक्ति के शरीर के भीतर पूरी तरह से सहअस्तित्व में रहने के लिए इन दो विपरीत विशेषताओं को देने में सक्षम है। आप जानते हैं कि मेरे शरीर में दुष्ट परमेश्वर की गहरी नसें हैं। यूचे ने अपना सिर उठाया। मैं फीनिक्स की लपटों की लहू रेखा का भी पता। लगा सकता हूँ तो मैं संभवतः दुष्ट परमेश्वर के आभा मंडल को कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। इसके अलावा आपके शरीर में रेज गॉड और सीरियस द स्काई वुल्फ की दिव्य शक्ति की आभा भी है। तुम इन परीक्षणों को पार करने में सक्षम क्यों थे? इसका कारण यह था कि तुम इन शक्तियों पर निर्भर थे। आपकी स्थिति मुझे विस्मय में आहे भरती है और मुझे पहली बार यह देखने की इच्छा भी देती है कि मानव का भविष्य क्या है। आदिम अजगर की आवाज गहरे अफसोस से भरी हुई थी। दुष्ट परमेश्वर का जल भी, मैं इसे खोजने की कोशिश करूंगा। यूचे ने कहा। अपने शरीर में अतिरिक्त बर्फ विशेषता ऊर्जा को महसूस करते हुए वह अपने दिल में बड़बड़ाया, मैं उस ऊर्जा को नहीं होने दूंगा जो आपने मुझे अपनी शुद्धता के साथ दी थी, हमेशा के लिए सील कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और शांति से पूछा, और वह कहां गई? क्या उसने कहा वह कब लौटेगी? वह चली गई। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएंगी, आदिम अजगर ने उत्तर दिया। फिर उसके जाने से पहले क्या वह मुझे मारना चाहती थी? यूचे ने खोए हुए तरीके से पूछा। उसने एक तलवार उठाई और उसे आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इंगित किया, लेकिन जिस क्षण से उसने तलवार उठाई, जब उसने तलवार को दूर रखा, उसके पास कभी भी एक सच्ची हत्या आभा का संकेत नहीं था। मैं बता सकता था कि वह बस कुछ के बारे में उसके दिल में संघर्ष कर रही थी। वह बहुत देर तक आपको घूरती रही, फिर चली गई। लेकिन जब वह चली गई तो वह बहुत दृढ़ नहीं लग रही थी। कम से कम जैसे ही वह चली गई, वह तीन बार आपको देखने के लिए मुड़ी। यूचे की आंखें कांप उठीं और उसके चेहरे पर खोई। हुई नजर गायब हो गई और उसकी जगह एक शांत मुस्कान आ गई। धन्यवाद प्राइमर्डियल एज्योर ड्रैगन, आपने न केवल मुझे शक्ति प्रदान की बल्कि आपने वास्तव में उसे भी बचाया। अपने दिल में उन्होंने एक और वाक्यांश जोड़ा, यदि यह आपके लिए नहीं था तो मैं लिटिल फेरी के शरीर का आनंद लेने में सक्षम होने के करीब भी नहीं पहुंचा होता। हे, आपको मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने स्वयं के लिए, अपने वंश के प्रसारण के लिए एक आदर्श उम्मीदवार ढूंढना चाहता था। फिर भी यदि आप वास्तव में अपने द्वारा प्राप्त किए गए कार्यों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं तो क्या आप मेरे अनुरोध से सहमत हो सकते हैं? अनुरोध शब्द जब बोला जाता था तो उसमें थोड़ी कंपकंपी होती थी। आदिम एज्योर ड्रैगन के रूप में दिव्य क्षेत्र के अनगिनत दिव्य जानवरों के नेता, इसने कितनी बार दूसरों से कुछ भी अनुरोध किया था। प्राइमर्डियल एज्योर ड्रैगन से एक अनुरोध, यह कुछ ऐसा था जिसे एक सामान्य व्यक्ति भी समझ नहीं सकता था। यूचे ने गंभीरता से सिर हिलाया। बोलो। हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करने में सक्षम रहूंगा, जब तक यह मेरी शक्तियों के भीतर है, मैं निश्चित रूप से वह सब कुछ करने की कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूं। आपके लिए मुझे इस तरह से जवाब देना पर्याप्त है। मेरा अनुरोध वास्तव में आपके लिए बहुत कठिन है।
आप इस अनुरोध की सीमाओं के करीब आने में सक्षम होने के बिना अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में ताकत, साथ ही साथ आपकी आत्मा, इसे ऐसा बनाती है कि मैं खुद को आशान्वित महसूस करने से नहीं रोक सकता। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में कभी कभी तलवार खोजने में सक्षम होंगे। और तलवार यूं चे स्तब्ध रह गए। कैसी तलवार? प्राइमर्डियल एज़्योर ड्रैगन ने सीधे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से कहा, क्या आपने उस स्थान के बारे में सुना है जिसे देवताओं के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? देवताओं का क्षेत्र? यूचे ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। देवताओं के क्षेत्र को दिव्य क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आदिम युग में देवता वहां निवास करते थे। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल विमान है जो उस गहन आकाश महाद्वीप से 10,000 गुना अधिक है जिसमें आप वर्तमान में। रहते हैं। बाद में देवता गिर गए, लेकिन इस वजह से दिव्य क्षेत्र खाली नहीं हुआ। यह अनगिनत मनुष्यों से भर गया जिन्होंने इस दुनिया को संभाला जो पहले देवताओं की थी और जिन्होंने उन सभी चीजों की खोज की और लड़ाई लड़ी जो देवताओं ने पीछे छोड़ दी थी। अवशेष, हथियार, आध्यात्मिक दवाएं, वंश, गहन कला और बहुत कुछ। बाद में उन्हें मिले दिव्य अवशेषों पर भरोसा करके उन्होंने तेजी से बड़े और शक्तिशाली कुलों, बलों, भूमि और यहाँ तक कि लघु दुनिया को खड़ा किया। यूचे की आंखों में एक विस्मय झलक थी जैसे कि वह आकाश। के शब्द सुन रहा हो। उस जगह में वह वंश भी है जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। मैंने इन चीजों को केवल उन बची हुई आत्माओं के माध्यम से सीखा जो उस स्थान पर रहती हैं। वर्तमान ईश्वरीय क्षेत्र अब सच्चे देवताओं की दुनिया नहीं है, बल्कि इसे देवताओं के वंश के अनगिनत उत्तराधिकारियों द्वारा सत्ता के कई क्षेत्रों में काट दिया गया है। यह इस युग में शक्ति के उच्चतम स्तर वाला विमान बन गया है। इसके अलावा ईश्वरीय क्षेत्र अतुलनीय रूप से बड़ा है। हर कोई कल्पना करना जारी रखता है कि अधिक दिव्य अवशेष होने चाहिए जिन्हें। अभी तक खोजा जाना बाकी है और इसलिए हर दिन कई लोग उन्हें खोजने जाएंगे और विशेष रूप से वे एक तलवार की तलाश कर रहे हैं। वह तलवार अनगिनत साल पहले ही गायब हो चुकी है। जब से देवताओं का सर्वनाश हुआ है तब से इसका एक अंश भी प्रकट नहीं हुआ है। हालांकि इसकी शक्ति और पराक्रम ने इसे ऐसा बना दिया है कि लोग इसकी खोज को छोड़ने में असमर्थ हैं। उस तलवार का नाम स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार है। आपके पास 7 स्वर्गीय गहन खजाने में से एक स्काई पॉइजन पर्ल है। स्वाभाविक रूप से आपको समझना चाहिए कि 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से एक के कब्जे में होने का क्या अर्थ है। उस स्वर्ग के लिए पैतृक तलवार को दंडित करने के लिए इसे 7 स्वर्गीय गहन खजाने में नंबर एक के रूप में स्थान दिया गया है। किंवदंती के अनुसार इसकी शक्ति सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह पूरी तरह से नंबर एक सर्वोच्च खजाना होने के अपने शीर्षक पर खरा उतरता है। यहाँ तक कि अगर यह एक नश्वर के हाथों में पड़ जाता है तो वह नश्वर अभी भी आसानी से सच्चे देवताओं का वध करने और स्वर्ग को मारने में सक्षम होगा।